ही बात करना शुरू करते हैं। तो यार आज जुम्मा है, ठीक है, और आज 12 रबी अवल भी है। एडवांस में आप सबको जुम्मा मुबारक हो। तो हम उठ गए थे, अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 11:15 का, तो नमाज़ पढ़ के हम लोग सो गए थे। काफ़ी थके हुए थे यार, क्योंकि ना रात को मैं असाइनमेंट करता रहा था ज़िया की, हुज़ैब की और हसन की, ना इस वजह से लेट हो गए थे। तो अभी ये सीन है कि काम शाम हम ख़त्म कर रहे हैं और कपड़े वगैरह इस्त्री कर रहे थे, मामा कपड़े इस्त्री कर रही हैं, समी और अहमद के भी कर दिए हैं। न्यू कपड़े आज हम पहनेंगे क्योंकि 12 रबी अवल है। और ये अहमद भाई को देखें पीछे, अहमद भाई क्या कर रहे हैं आप? अहमद भाई ड्राइंगे पीछे बना रहे हैं। और ये देखें, ये समी भाई तो करें माशाल्लाह बनाने, देखें कुछ समी भी आता ये दोनों, ये देखें ये गाड़ियां बना रहे हैं। समी भाई भी आ गए पीछे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कपड़े कौन कौन से इस्त्री करनी है और कौन से कपड़े इस्त्री करने वाले हैं, फिर जल्दी से काम खत्म करते हैं, जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं। और फिर आज समी भाई क्या हो रहा है जल्दी बताएं। आज इंशाल्लाह 12 रबी अव्वल है और नमाज के बाद इंशाल्लाह चावल मांडेंगे और पूरी ब्लॉग आप लोग बिल्कुल आप लोगों ने जरूर देखनी आज। हम खत्म में क्या करेंगे, खत्म में मिलाद करेंगे, तो एक महीने बाद। हाँ, तो आप लोगों ने जरूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। A few moments later. ये देखिए ये समी भाई के कपड़े हैं। ये समी भाई आपने ईद पे पहने थे ना कपड़े? ईद पे पहने। और ये भी दूसरी दफा पहने। ये देखिए बिल्कुल नए नए कोल है। और ये देखिए मेरे भी ये ब्लू सूट है, ये भी मैंने ईद पे बड़ी ईद पे पहना था ये। और ये पहनेंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखें ये हम लेके जो आए थे, अभी इसके अंदर नाते वगैरह भी लगाएंगे। क्यों समी भाई तैयार होने के बाद बताइएगा कमेंट में, जाफा भाई अच्छे लग रहे हैं। और ये देखिए अमन भाई इधर ड्राइंग में आ रहे हैं। अमन भाई आपके दोस्त कह रहे हैं सेइंग यस टू अमन भाई करें, तो फिर करें यार। वो अच्छी बात है, मैं भी अपने बुलाऊंगा। छुट्टी वाले दिन करेंगे इंशाल्लाह ताला जाने, ठीक है, पेपर खत्म होंगे। हाँ, अगले हफ्ते के बाद इंशाल्लाह। बाकी ये देखें, ये इधर मामा के भी कपड़े इस्त्री हो गए हैं और ये अहमद भाई के देखें कपड़े, ये भी इस्त्री हो चुके हैं। बाकी घर की हालत आप देखें, फैला हुआ ये लैपटॉप शैपटॉप। और ये देखें चेक करें आप लोग, अभी ये घर ज़रा समेटना है हमने, ये लैपटॉप वगैरह भी समेट के रखते हैं क्योंकि रात का रखा हुआ है यार। फाइनली कि मामा मंगवाएंगी इंशाल्लाह ताला बिरयानी मंगवाएंगी, मैं चावल कह रहा था बिरयानी मंगवाएंगी मामा इंशाल्लाह ताला। हमने वहाँ फायर से मंगवानी है जिस तरह पिछली बार मंगवाई थी, तो अभी पीछे पापा ने लगा लिए नाते वगैरह लगा लिए। और तीन ये है कि अभी, और दूसरा ये है कि मामा घर में बनाएंगी खीर बनाएंगी, तो वो भी आप लोगों को सारी उसकी प्रोसेस दिखाएंगे क्या क्या सीन होता है। अभी जल्दी से काम खत्म करते हैं, फिर जुम्मे की तैयारी करते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आते हैं, ये सारी चीज़ें हम फिर इंशाल्लाह ताला बांटेंगे। 2000 years later. देखें गाइस फाइनली काम शाम सारा कंप्लीट हो गया। ये देखें पहले इस कमरे की आपने हालत देखी थी ना कैसी थी, अब देखें ये कपड़े वगैरह इस्त्री कर दिए मामा ने मेरे, मैंने खुद ही करने थे। और ये देखें ये समी भाई माशाल्लाह से किधर गए समी, ये देखें समी भाई माशाल्लाह तैयार हो गए, फुल वेस्ट कोट और वो घड़ी छड़ी सही पहनी है। और समी भाई बड़े प्यारे लग रहे हैं यार, शर्मा क्यों रहे हैं फिर आप, शर्मा क्यों रहे हैं? ये देखें आपको दूसरा भी दिखाएं कमरा, ये देखें ये भी सारा साफ़ सुथरा हो गया, सब समेट दिए थे, चादर वगैरह इन पर डाल दिए क्योंकि ना ये हमारी खिड़कियाँ यहाँ से खोल के रखते हैं, डस्ट बहुत आ जाती है। ये देखें सारा कंप्लीट हो गया और दूसरा कमरा भी हो गया। और ये एक और आ गए हैं, एक और मखलूक आ गई है, अहमद भाई। अहमद भाई आप भी तैयार हो गए माशाल्लाह, बड़े अच्छे लग रहे हैं यार। ये देखें अहमद भाई ने भी फुल ड्रेसिंग की है, नए कपड़े पहने। कल अहमद भाई कटिंग करा के आए थे, थोड़ा बहुत अहमद ने क्लिप शेयर किया था और अहमद अच्छे लग रहे हैं। अब जल्दी से इतर लगाओ और भाग जो, अजाने भी हो गई, ठीक है। अच्छे लग रहे हो, चलो अभी जल्दी से इतर लगाओ और अजान का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ने जाओ, ठीक है। फाइनली अभी मैंने भी जाना है रेडी होने के लिए, ठीक है। अभी पापा वजू करने के लिए गए हैं, उसके बाद मैंने जाना है। अभी देखिए मेरे बालों की हालत बिल्कुल खराब हुई हुई है, तो कपड़े वगैरह इस्त्री हो गए हैं, तो अभी आपको नहा के मिलते हैं। तो यार फाइनली मामा ने भी काम बता दिया, ठीक है। ये काम बताया कि हमने जाना है अभी बाजार से जाकर ना खोया लेके आना है, क्योंकि मम्मी बना रही हैं क्या बना रही हैं, खीर। तो खीर के ऊपर खोया वगैरह भी सब डालेंगे। अब अहमद भाई भी मेरे साथ जा रहे हैं, देखें अहमद भाई ये अहमद भाई आ रहे हैं, समी भाई भी मेरे साथ जा रहे हैं, तो अभी जल्दी से खोया लेके आते हैं। A few moments later. अभी दुकान पे आए थे हम और अहमद भाई लेने के लिए दूध, खोया नहीं है इनके पास, अभी आगे जाना पड़ेगा और आगे जाके लाना पड़ेगा। और मौसम देखे कितना फिट हुआ है, हल्की सी धूप निकली हुई और बाकी सारे बादल ही बादल हैं, ये चेक करें। और ये अहमद भाई अभी लेके आते हैं, ये खड़े हैं दूध। ये देखे 12 रबी अव्वल है तो लोगों ने इतनी जगह बनाई है, वैसे इधर कुछ नहीं होता। आज देखें आप गाइस, अभी हमें कुछ खोया कहीं से नहीं मिला, हम बेकरी चौक भी आए थे और वेस्टीज भी गए थे, लेकिन हमें खोया कहीं से नहीं मिला। हम घर वापस जा रहे। फाइनली आज मैं वापस आ गया था, ठीक है। और मक्खन हमें कहीं नहीं मिला, हमने अलाहाबाद भी चेक किया, वेस्टेज भी चेक किया,
बेकरी चौक भी चेक किया और अशाना चौक, यहाँ पे सारा जगह चेक किया, कहीं हमें मक्खन नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि यार त्यौहार है तो आज ख़त्म हो गया, तभी तकरीबन टाइम हो गया 1:35 का, 2 बजे हमारे यहाँ पे जुमा होता है, तो अभी जल्दी से जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं। रेडी मैं बिल्कुल हो गया हूँ। और कल हम जब गए थे तो ये मुझे उसने दी थी, उस्मान मानी ने दी थी परफ्यूम। आप उस्मान मानी, आपका दिल से थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी यार। और वो गया था कुवैत गया था, तो वहाँ से लेके आया था, क्योंकि उसके जो फादर और मदर हैं वहीं पे होते हैं सारे। तो दिल से थैंक यू सो मच उस्मान मानी आपका। तो अभी जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं, फिर वापसी पे आते हैं, आपको दिखाते हैं खीर की प्रिपरेशन वगैरह हो रही है, और इतने में हमारी बिरयानी भी आ जाएगी, आपको बिरयानी भी दिखाएंगे किस तरह की बनी है और क्या क्या सीन्स है। तो अभी नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं, फिर आपको बाद में मिलते हैं। फाइनली अभी मैं घर वापस आया हूँ, और ये मामा इलायची यहाँ पे छील रही है, ठीक है, और ये चावल आए थे किसी घर से। बाकी ये देखें, ये खीर बन रही है, इसके अंदर पिस्ते वगैरह डालनी है, ठीक है, और ये किसी और के घर से, ये भी खीर है, ये खीर है, ये देखें हमारी बन रही है अभी हैवी किस्म की। और ये दूसरा इधर दिखाऊँ आपको, चीनी वगैरह ये देखें रखी हुई है, और इसके अंदर बनाई थी ये सारी चीज़ें, अभी इधर फैली हुई हैं, किचन फैला हुआ है अभी, ऐसा ऐसा तैयारी हो रही है इसकी, देख रहे हैं अभी, इसको टाइम लगेगा अभी थोड़ा बहुत, आज भी अभी इसकी रखी हुई है। A few moments later. तो यार अभी देख रहे हैं आप लोग, ये भी खीर की तैयारी हो रही है, और अभी पापा गए हैं, उसको बता के आ देंगे कि यार बिरयानी हमें इस टाइम पे चाहिए, तो फिर हम जाके जल्दी से उससे बिरयानी भी ले आएंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला ख़त्म पढ़ के, और फिर इंशाल्लाह तकसीम करेंगे सारे जितने भी मोहल्लेदार हैं ना उनके अंदर। तो अभी इंतज़ार करते हैं अभी इसी का, नमाज़ पढ़ के भी आए थे, आपको सबको बारह अवेलेबल बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंशाल्लाह ताला भी देखते हैं, बाहर भी बड़ा हैवी किस्म का मौसम बना है, आपको थोड़ा मौसम भी बाहर चेक करवाते हैं। तो ये चेक कर सकते हैं आप लोग मौसम, ये देखें ऊपर कितने बादल हैं, और फुल ना हवा चल रही है, देखिए पत्ते किस तरह हिल रहे हैं, और गली में कोई नहीं है, और ये सामने एक टोमी बैठा है मस्जिद के अंदर, रात को बहुत बोल रहा होता है, और ये ऊपर देखें बादल कितने ज़्यादा हैं, बड़ा फिट मौसम हुआ है। 2000 years later. ये देखें यार गाइस, बिरयानी आ गई है, और ये समीम भाई और मैं जा रहे हैं लेह के अंदर, ये चेक करें, दूसरा से बातें खोलें पापा, एक से टेढ़ा करके। तो ये देखें अभी फाइनली लेके जा रहे हैं समी भाई और मैं, समी भाई बॉडी बिल्डर बने हैं, अकेले ही मैं उठा लेता हूं ऐसी जगह, अभी हल्की सी हटा के चेक करते हैं सारी बाद में देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हतावार हैं, सियाकार हैं, या अल्लाह हम गफलत में डूबे हुए हैं, या अल्लाह हमारे गुनाहों को न देख, अपनी रहमत को देख, या अल्लाह अपनी रहमत के साथ के हमें बख्श दे और हमें माफ फरमा, आमीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا यार। फाइनली हम ये प्लेटें लें, ठीक है, और पापा इधर बैठे हुए, अभी पापा ये बिरयानी इसमें डाल दे रहे थे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बना के दी है उसने, अभी जरा सारे ही भरते हैं और फिर इंशाल्लाह तकसीम करके आते हैं। ये देखिए कितने मज़े की। 2000 years later. तो गाइस ये फाइनली हमने बना ली हैं, ये देखें ये दोनों प्लेटें बना ली हैं, और समी भाई ने इधर नाते माशाल्लाह से लगाए, समी भाई दें बांट के आएँ, चलें समी भाई अभी सब्र एक मिनट चलते हैं, फिर आप और मैं, ठीक है, और जल्दी से बांट के आते हैं, ये दूसरी भी लेंगे मामा, ये देखें ज़ैफ़ा भाई जा रहे हैं अभी लेने, और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, चेक करें बहुत तेज़ हवा चल रही है अभी, और ये सब्सक्राइबर भी आ गए अभी, देखते हैं ये देखें सब्सक्राइबर, ये देखें छोटा सब्सक्राइबर, और ये देखें ये दो आ गए हो, सभी के दोस्त आ गए। Later. मार भाई आ गए अपनी बिरयानी लेने, ये भी है हमारे वैसे सर, हमारे बड़े सब्सक्राइबर हैं, ये देखें ये आया है, ये सब्सक्राइबर है हमारा, अभी इधर अंदर देते हैं गाइस, ये भी आ गया, ये देखें ऐसे ट्रे ऐसे ला रहे जैसे कोई, पानी पिला दीजिए, ये देखें ये इधर सिंधी माड़ू खड़ा है, चेक करें। 2000 years later. फैनी यार अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी बिरयानी वगैरह बांट दिए पूरे मोहल्ले के अंदर, ठीक है, और अभी मैंने टेस्ट किया यार, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनी है, VIP किस्म की बिरयानी बनी है, और बाहर से ही तेज़ किस्म की ना हवा चली जा रही है। तो अभी सीन ये है कि वो जिस अंकल से बिरयानी की लेके आए ना,
तभी इनको दे के आना देश की जो है इनकी, उसके अलावा इनको पैसे भी देने हैं। और दूसरा काम यह है कि जो मैंने आपको बताया था कि हम वो लेने के लिए गए थे, क्या लेने के लिए गए यार, वो खीर के अंदर डालते हैं ना, हमें क्या डालते हैं खीर के अंदर, कलाकंद या बर्फी, तो खोया लेने के लिए गए थे। मैंने पीछे वो बोल दिया था कि मक्खन लेने के लिए गए, मक्खन या खोया लेने के लिए गए थे, वो हमें नहीं मिला। अभी मामा ने कहा कि मुझे कलाकंद ला दो या बर्फी ला दो, तो अभी समी और मैं चलते हैं, जल्दी से लेके आते हैं वो, और अंकल के पैसे वगैरह भी दे के आते हैं, फिर आके हम खाना वगैरह खाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर आपको दोबारा रिव्यू करके बताएंगे कि भाई किस तरह का बना। हाँ यार, अहमद भाई का एक दोस्त था और उसका चैनल का नाम पता नहीं रिट्रो इस तरह कुछ था, तो वो कहता कि यार आप भाई रिट्रो रिट्रो कैन प्ले, तो वो कहता कि यार आप भाई सुनते ही नहीं है मेरी। ऐसी बात नहीं है कि यार, तकरीबन मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबको मैं लाइक करता हूँ सबके कमेंट को, इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना दिल से आपको थैंक यू सो मच जो आप कमेंट करते हैं, और कमेंट भी कोई कोई करता है यार, हर कोई नहीं करता, तो उसका दिल से थैंक यू सो मच। और कह रहा था कि यार मेरे चैनल को प्रमोट कर दें, तो मैं आपको यहाँ पे लगा रहा हूँ इसके चैनल का नाम, आप लोगों ने ज़रूर इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है, और नीचे लिख देना है कि यार आप लोग कहाँ से हैं, हुज़ैफ़ा आर्मी की तरफ से हैं, तो इस भाई के चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना। गाइस अभी जरा हम आए हैं मनपसंद पे वो लेने के लिए, बर्फ़ी लेने के लिए, समी भाई भी मेरे साथ आए हैं, अभी चलते हैं और लेके आते हैं। A few moments later, फाइनली हम पैसे दिए थे अंकल को, ठीक है, और वो सारी चीज़ें ले आए थे, बर्फ़ी लेके आ गए थे, और नहीं कुछ नहीं कहा उन्होंने। अब अहमद भाई मुझे टेस्ट करा रहे हैं, ज़रा फिर आपको बताता हूँ कि किस कितनी कैसी बनी है। आगे आए ये देखें, अभी तक ये हमारी ना खीर बन रही है, तैयार नहीं हुई अभी, असर तक तैयार होगी, ठीक है। और ये देखें अभी मामा ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें डाली हैं, ये देखें अभी भी ये इसको ना मतलब लगेगा, मामा घंटा लगेगा ना, और असर तक मामा कह रही है कि बनेगी, तो इसको हम फिर बांट देंगे असर के टाइम ना, तो अभी देखते हैं कि क्या सीन्स है, ये जब तक तैयार हो रही है। 2000 years later. तो खैर यार, हमने चावल वगैरह बांट दिए थे, समी भाई आपको कैसे चावल लगे? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे ना, 10 out of 10 है मेरी तरफ से, तो 10 out of 10 है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त किस्म के चावल बने थे। अभी सीन है कि इसको मैंने आपको जिस तरह के बताया कि घंटा लगेगा असर के टाइम तक ये तैयार होगी, तो फिर हम बांट देंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग को मस्त लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और हम समी भाई 600 के बहुत ज़्यादा करीब हैं, 540 हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे माशाल्लाह से, इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहे भाई को, तो हमें ज़्यादा देती है।